हे गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट ग्लैमरस लाइव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी आईब्रो पेंसिल को कितने डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। हाउ कैन यूज़ योर आईब्रो पेंसिल इन मैनी डिफरेंट वे। एक आईब्रो पेंसिल से आप एक बोल्ड एंड पार्टी वेयर मेकअप लुक कैसे अचीव कर सकते हैं, तो चलिए आइए फ्रेंड्स आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा आज का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फ्रेंड्स एक साइड में छोटी सी बेल आइकन से ज़रूर से हिट करिए, जिससे कि जो मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपडेट होगा। तो चलिए आइए फ्रेंड्स आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक आईब्रो पेंसिल से हम एक अच्छा पार्टी वेयर मेकअप लुक कैसे अचीव करें। तो सबसे पहले हम आईब्रो फिल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी आईब्रो बनी नहीं है, तो मैं इसे अच्छे से अपने आईब्रो को फिल करूंगी, प्रॉपर शेप दूंगी। तो मैंने यहाँ पे कैम्बलिन की आईब्रो पेंसिल यूज़ करी है और मेरा शेड है ब्राउन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्लैक आईब्रो पेंसिल है तो आप उससे भी अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन आईब्रो पेंसिल को यूज़ किया है। एक्चुअली इंडियन टोन पे ब्राउन आईब्रो पेंसिल बहुत अच्छे से सूट होती है, सूटेबल होती है। तो अगर आपकी आईब्रोज घनी है और ब्लैक कलर में है तो आप ब्लैक आईब्रो पेंसिल को यूज़ करिए, बट अगर आपकी आईब्रोज लाइट है, ब्राउन शेड में है, तो फिर आप ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल को यूज़ करिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है वो है आईब्रो को फिल करना, जो कि बेसिक काम है आईब्रो पेंसिल का। तो मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगे महंगे ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स हो, आप कम मेकअप प्रोडक्ट से ही अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको वही शो करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप मेरा जो एम है वो आपको समझ आएगा कि कम मेकअप प्रोडक्ट से हम कैसे एक अच्छा मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं। तो मैंने जो अपना मेकअप बेस है वो पहले से ही कर रखा है, फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट एंड ब्लश, जैसा कि आपको विजिबल हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है। दूसरा वे है आईब्रो पेंसिल को यूज़ करने का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ आई शेडो। आई मेकअप के लिए मैं कैम्बलिन की ब्राउन पेंसिल को एज अ आई शेडो अपने आई लिड पे प्लेस कर रही हूँ। तो मैंने एक कोम्ब लिया है, कोम्ब की हेल्प से मैंने आईज़ के आउटर वी पे पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ किया है। तो अगर आपके पास पेन है, पेंसिल है, या फिर कोम्ब है, या आपके पास कार्ड है, तो उसकी हेल्प से भी आप आईज़ के आउटर वी पे एक लाइन ड्रॉ करके आईज़ के आउटर वी को अच्छा शेप देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आईलिड पे कैमलिन की जो आईब्रो पेंसिल है उससे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वी शेप में। आईब्रो पेंसिल की हेल्प से मैं पूरी आईलिड पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देन उसके बाद उसे स्मज कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे एक ब्रश लिया है, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से भी आईब्रो पेंसिल को ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ईजली ये ब्लेंड हो जाएगी, क्रीमी इसका टेक्सचर है। तो मैंने ब्रश यूज़ किया है, तो अगर आपके पास ब्रश नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से भी आईब्रो पेंसिल को ब्लेंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो गया है और बहुत ही प्यारा कलर आया है। अभी लाइट शेड है, मैं इसको दोबारा फिर से आईब्रो पेंसिल को अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ एक डार्क शेड देने के लिए। एंड अगेन सेम प्रोसेस से मैं दूसरी आईलिड पे भी कोम्ब की हेल्प से आईब्रो पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आईज़ के आउटर वी पे एक परफेक्ट शेप देने के लिए। फ्रेंड्स, एक आईब्रो पेंसिल हमारी लाइफ सेवियर हो जाती है।
इन केस कभी आपके पास, अगर आप ट्रैवल में जा रहे हैं, आपके पास प्रॉपर मेकअप का सामान नहीं है, तो आप एक आईब्रो पेंसिल से भी अपना पूरा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपने आई मेकअप को डार्क किया है। अगर आपको लाइट करना है तो आप एक बार में ही आईब्रो पेंसिल से उसको ब्लेंड करेंगे तो आपको एक बार में ही लाइट शेड मिल जाएगा, बट मैंने डार्क लुक क्रिएट किया है तो इसलिए मैंने इसको दो बार अपनी आईलिड पे अप्लाई किया है आईब्रो पेंसिल को, और बहुत अच्छा इसका नेचुरल जो ब्राउन कलर है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हुआ है ब्लेंड होने के बाद। अभी आपको वीडियो में आगे और पता चलेगा। मैं इसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने आपको ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड करके दिखाया है एंड फिंगर की हेल्प से भी मैं आपको स्मज करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से भी बहुत ईजली इसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा ब्राउन शेड आया है। तो लीजिए, हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। बट मुझे इसे थोड़ा सा और डिफाइन करना है तो मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम को लिया है और मैंने आईलिड के मिडिल पार्ट से इनर कॉर्नर तक बीबी क्रीम को प्लेस किया है, जिससे कि जो मेरा आई मेकअप है वो दो टोन में निखर के आएगा, लाइट और डार्क। तो मैं इसे फिंगर की हेल्प से अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मेरा आई मेकअप है वो डबल शेड में आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना आई मेकअप सिंपल चाहिए है तो आप आईब्रो पेंसिल को अप्लाई करने के बाद उसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए, जिससे कि जो आपका आई मेकअप है वो सिंपल, सोबर, अच्छा लगेगा। बट अगर आपको डबल टोन में अपना आई मेकअप चाहिए है तो आप आईब्रो पेंसिल को अप्लाई करिए, उसके बाद ब्लेंड करिए, देन उसके बाद अगर आपके पास फाउंडेशन है, बीबी क्रीम है, सीसी क्रीम है, आप उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए और अपनी आईलिड पर अप्लाई करिए, उसके बाद स्मज कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं फिंगर की हेल्प से बीबी क्रीम को ब्लेंड कर रही हूँ और यू कैन सी मेरा आई मेकअप कितना प्यारा डिफाइन हुआ है। तो मैं इसे अपनी फिंगर की हेल्प से और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगेन मैंने आईब्रो पेंसिल को लिया है फ्रेंड्स और इसे मैं आईज़ के आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि जो मैंने बीबी क्रीम को लगाया है उसमें अच्छे से ब्लेंड कर लूँ, जिससे कि जो मेरा आई मेकअप है वो इवनली दिखाई दे। तो इसलिए मैंने एक बार फिर से जो मेरी आईब्रो पेंसिल है उसे मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ और दोनों आईज़ पे सेम प्रोसेस से मैंने अप्लाई किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आईज़ के आउटर वी पे अप्लाई किया है और इनर कॉर्नर तक आईब्रो पेंसिल से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड फिंगर की हेल्प से मैं अगेन फिर से ब्लेंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने बीबी क्रीम को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट को अप्लाई किया है स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से, जिससे कि जो मेरी बीबी क्रीम है वो क्रीजी ना लगे, बहुत ही सॉफ्ट लुक आए। एंड आईब्रो पेंसिल का थर्ड यूज़ है एज अ आईलाइनर। तो मैं कैमलिन की जो मेरी ब्राउन आईब्रो पेंसिल है उससे मैंने अपना आईब्रो फिल किया है, आई शेडो क्रिएट किया है एंड थर्ड स्टेप है आईलाइनर। तो मैंने बहुत ही सिंपल आईलाइनर ड्रॉ किया है। अगर आपके पास ब्लैक आईलाइनर है तो आप उससे भी अपना बहुत अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेप है, फोर्थ जो यूज़ है वो है एज अ काजल। तो मैं आईब्रो पेंसिल को एज अ काजल अपनी वाटर लाइन पर प्लेस कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने काजल लगा लिया है। तो नेक्स्ट अब मैं अप्लाई करूँगी कैमलिन की आईब्रो पेंसिल को एज अ कॉन्टोर स्टिक, अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए। ये फिफ्थ स्टेप है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईब्रो पेंसिल से मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ और इसी तरह से मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्राउन आईब्रो पेंसिल नहीं है तो डोंट वरी, आप ब्लैक आईब्रो पेंसिल से भी अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने फेस को कॉन्टोर करना नहीं चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट कॉन्टोरिंग करने से फ्रेंड्स फेस को बहुत अच्छे डेफिनेशन मिल जाती है, हमारे फेस को एक शेप मिल जाता है। तो इसलिए मुझे कॉन्टोरिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आईब्रो पेंसिल को मैं आईब्रो पेंसिल को एज अ कॉन्टोर स्टिक अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, देन उसके बाद फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत सिंपल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक आईब्रो पेंसिल से मैंने कितने सारे काम लिए हैं। तो बस इसे ब्लेंड करते जाना है, ब्लेंड करते जाना है, ब्लेंड करते जाना है।
सो फ्रेंड्स, फेस को मैंने कॉन्टूर कर लिया है, तो नेक्स्ट अब मैं आईब्रो पेंसिल को एज अ लिपस्टिक अपने लिप पे अप्लाई कर रही हूँ। तो ये है नंबर 6, जैसे कि हम आईब्रो पेंसिल को एज अ लिपस्टिक अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिपस्टिक नहीं है इमरजेंसी में तो आप अपनी आईब्रो पेंसिल से भी काम चला सकते हैं। तो आईब्रो पेंसिल को मैं एज अ लिपस्टिक अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ और इसका जो शेड है वो ब्राउन है, बट मैं इसे दो बार अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी जिससे कि जो इसका शेड है वो डार्क चॉकलेट कलर में आ जाएगा। एंड नंबर 7 है बिंदी, तो मैं आईब्रो पेंसिल से अपने फोरहेड पे बिंदी लगा रही हूँ। तो देखा आपने एक आईब्रो पेंसिल से हम कितने सारे काम ले सकते हैं। ये है मेरा लुक विदाउट आईलैशेस। अभी मैं आईलैशेस अप्लाई करूँगी अपने लुक्स को और ज़्यादा बोल्ड और ड्रामेटिक बनाने के लिए। तो ये मैं अपनी फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक मेकअप विद आईब्रो पेंसिल। सो आई होप फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा कि एक आईब्रो पेंसिल से हम डिफरेंट तरह के काम कैसे कर सकते हैं, एज अ आईलाइनर, एज अ आई शेडो, एज अ फेस कॉन्ट्रिंग, लिपस्टिक एंड आईब्रो। तो ये है मेरा फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड साइड में एक छोटी सी बेल आइकन है सो ज़रूर से हिट करिए, जिससे कि जो मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है और मेरा ये लुक ब्राउन कलर, चॉकलेट ब्राउन, आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन।